जय जवान जय किसान। आज मुझे पुणी आपन सामने गोटे नुआ टॉपिक आउ नुआ वीडियो आउ नुआ फसल पर आज आपको कहबी सी हूँ आप टमाटो फसल। साधारण टमाटो फसल में बहुत परिमाण सकिंग पेस्ट लगे जहाद्वर कि आपनर पत्र मोचा हो जा पत्र मुदा हो जा पत्र संध्या हवा आपड़ जो देखुं गचर फूल फल आम पत्र मुदा हो जाऊर पत्र मोचा हो जाए आज जो देखुं फूल फल टाइम आपतर जो आप पटाली सिस्टम कर चारा लगे आज जो बर्षा हो जाए बहुत सांग हुए आपर धलामाची कलामाची यू मछ से उड़ी था धलामाची कलामाची आप उड़ी कौन हुए ना पत्र कलर पाउसी कर दिखती पत्र को मुदा कर दिखती फल कसी धड़ी जाए यह सब आप देखा मिले ता सहित आपत धलामाची अधिक हमें से समय आपर गचरे संडिया रोग लग जाए जहाँफल कि आप फुलकसी आस समय गच संडिया जाए आपको अंडरा कहते ये सब लक्षण देखा मिले बाई रोग धलामाची रहा द्वारा आप टाइप सब रोग आसी था द्वितीय कथा है जो आप अधिक रू अधिक धलामाची रोज से समय अधिक रू अधिक आप फल विंधा कांडविंधा पक लगे जहाँफल कि आपको कंट्रोल कर बहुत कष्टर हुए आपते भी उन्नत मान मेडिसिन पकेले भी आपको कंट्रोल कर पारना कितु आपत मेडिसीन पक मरा पकाचन से समय जब आप मरता सहित मिसेकते हैं आपको कंट्रोल कर रखिपर जहाद्वर कि आपर जो जमीन जहाँ फसल जो क्षति करुँच धलामाची ताको नियंत्रण करेंगे आपड़ जदि धलामाची की नियंत्रण करुँच तो आपन गोटे सुस्थ फसल आप आदाय करेंगे धलामाची द्वारा आप कौन क्षति हुए प्रथम तो आपर मानने फलबिंधा पक कांडविंधा पक अधिक अधिक मात्रा होता है कारण धलामाची अंडा रू ही आप पोकजात होता है प्रथम कारण। द्वितीय है आपर पत्र को मोचा कर दिखती मोटा कर दिखती आ जहाद्वारा कि आप गल ग्रोथ हो पारे पत्र कलर भी पहुँचा जाए। तृतीय कारण फुलकसी झड़ी जाए चतुर्थ हूँ आप पत्र को बहुत भाव में शोषित दिखती जहाद्वर से संडिया लगि थाए अंडरा हो जाए जहाँफल कि आप गचर ग्रोथ हेनी गच डांगरा ही रोदा फुलकसी आसवन जदि यही सब कारण यही सब रोग को यही सब लक्षण को आज जब दूर चाहते तेल धलामाची की मारे निहाती आवश्यक से आज मुझे ये भिडियो धलामाची पर ही आपको कहवाक चाहिए से भिडटी को शेष पर्यटन देखापी प्रयास करूँ चलतु मुझे आपतटा मेडिसीन कहूँ ताको जो आप यूज करते धलामाची की अवश्य आप कंट्रोल करें। आसला प्राइड ये हूँ ट्रॉपिकल कंपनी प्राइड आसूसी आर डोज हूँ प्रति 15 लीटर पानी 15 ग्राम आप प्रति 15 लीटर पानी 15 ग्राम पक स्प्रे करेंगे जहाद्वर कि आप धलामाची को आप कंट्रोल करें। सेकेंड मेडिसीन आसला सार्प सार्प आप यूज कर पारती ये हूँ आईआईएल कंपनी प्रति 15 लीटर पानी आप 15 ग्राम डोज रोचे जहाँ आप मेडिसीन यूज करके आप धलामाची को आप कंट्रोल करेंगे। तृतीय मेडिसीन आसला आपर तापुज तापुज प्रति 15 लीटर पानी आप 30 ग्राम दे आप यूज कर पारती आर टेक्निक हूँ आप बुप्रोफोजिन 15% प्लस एसीफेट आप 35% जहाद्वारा कि आपर धला माछी बा छोटो कला माछी ता सहित आप कांकड़िया पक समस्त से कंट्रोल करपोज को यूज कर समय सान गचर यूज करूँ देखिए से कांकड़िया पक मार सहित धलामाची की मैं आप कंट्रोल कर। चतुर्थ मेडिसीन आएगा एसीमेंट एसीमेन कंपोजिशन हूँ आप एसीपेट 75% जहाद्वारा कि आप गुरुत्वपूर्ण अधिक रू अधिक आप जिते भी माछी थी समस्त आप कंट्रोल करें जहाँ भी कांकड़िया पक लगी छोट पक लगी आप कंट्रोल करेंगे एसीमेन भी आप यूज कर पारती आप टमाटो फसल आप शुणिले एसीमेन ता सहित आप ब्रूम को भी आप यूज कर पारती ये हूँ आद्यासा क्रॉप साइंस बहुत भल मेडिसीन आसूसी आपको भी यूज करूँ प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml दे आप स्प्रे करूँ आप छोट माछी माइड्स थीप्स जेसीड्स एफिड्स को समस्त आप कंट्रोल करेंगे प्रति 15 लीटर पानी आप 15 ml 15-20 ml दे आप स्प्रे करते आसा आप फ्लास्टॉप फ्लास्टॉप को आप यूज कर पारती सी हूँ आद्यासा क्रॉप साइंस प्रति 15 लीटर पानी आप 20 ml दे यूज करूँ आप धलामाची ता सहित आप कलामाची सकिंग पेस्ट समस्त से कंट्रोल करे आप प्रति 15 लीटर पानी आप 15-20 ml दे आप स्प्रे करते बहुत भल गोटे भल टेक्निक आपको कहवाक जाऊँगी सी आस ट्रॉपिकल कंपनी एक्स टैग एक्सएल 525 टैग एक्सएल 525 आर कंपोजिशन हूँ आप पेरिफेक्सपिन 5% प्लस आप डाइफेनथुरेन 25% एसी फर्म आसूसी जी आप बहुत भल आपर मछी मारे
ଆପଣ ସକିଂ ପେଷ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଟାଇପ୍ର ସକିଂ ପେଷ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। କିଛି ଟାଇପ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ତା ସହିତ ସକିଂ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଯେମିତି ଆସିଲା କଳାମାଛି ଧଳାମାଛି ଥିପ୍ସ ଜେସିଡ଼ ସେଫିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଡାଇଭେଣ୍ଟ ରେନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ପିନ୍ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ନୀଳ ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଆର ଡୋଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର 25 ml। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ ହତିଆର। ଟେକ୍ ହତିଆର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର 20-25 ml ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମାଛି ବା ଛୋଟ ନୀଳ ପୋକକୁ ବି ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ତା ସହିତ ଧଳା ମାଛିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଯାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସୁଛି ପେରିଫେକ୍ସ ପେନ୍ 10% ପ୍ଲସ୍ ବାଇଫେନ୍ ଥରେ 10% ଆସୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ମାଛିକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଫସଲରେ କେତେଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ଧଳା ମାଛି ବା କଳା ମାଛି ସକିଂ ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।